डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर है एसी करंट, उसकी स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में एक टॉपिक रह गई थी एसी जनरेटर, चाहे तो इसको 7 में भी पढ़ सकते हो। क्योंकि ये चैप्टर ही है एसी करंट, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 7 में उस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले एसी जनरेटर, यानी कि सीधे सीधे जनरेटर, जो क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक मोटर की जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, कौन सा? इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोटर में क्या होता है, क्लास 10th में लर्न होगा ही, क्या होगा? दो मैग्नेट रहेंगे, उस मैग्नेट क्या बनाएंगे, एक का नॉर्थ लेते हैं, दूसरे का साउथ पोल लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अगर एक कॉइल है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इस कॉइल में करंट का फ्लो होगा, ये क्या करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। तो जस्ट इसी का अपोजिट प्रोसेस, अगर किसी तरीके से हम इसको घुमा दें तो क्या करंट अभी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। यही आपका क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसी को पढ़ना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। सबसे पहले इसका एसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन, एक लिखने का प्रोसेस होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स करंट। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन, जैसे उसको घुमाते हैं, क्या देती है हमको, करंट दे देती है। यही इसका क्या, इंट्रोडक्शन है। नंबर टू आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नंबर टू इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पीछे पड़ चुके हो, क्या है, इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगी कब, जब फ्लक्स में चेंज होगा। तो जैसे ही हम यहां पर दो मैग्नेट, अभी फिगर बनाएंगे, मैग्नेट लेंगे, उसमें क्या, एक कॉइल लेंगे, कॉइल को घुमाएंगे, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में इसका फिगर को ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्शन में इसके फिगर को देख लो, ये एनसीईआरटी में फिगर है, क्या लिया है, देखो दो मैग्नेट है, फिगर को एनसीईआरटी ड्रा कर लेना। देखो मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का कौन सा है, साउथ पोल है। इसमें क्या लगा हुआ है, देखो ये आपका एक कॉइल इस फॉर्म के लिए हुई है, और ये आपका क्या, एक्सल है, जिसको बोलते हैं टर्बाइन, उसी की हेल्प से इसको घुमाना है। अब जैसे ये घूमना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। लेकिन हम जानते हैं ये पोल के थ्रू या दूसरे पोल के थ्रू इस सबके घरों में जाती है, तो पोल तो बेटा स्टेशनरी होते हैं और ये तो रोटेशन में है, तो एक स्टेशनरी दूसरा रोटेशन हो तो ये पूरा क्या होता, ओवरलैप हो जाता, टूट जाता, फॉल्ट हो जाता, चलता ही नहीं। तो उस सिस्टम से बचने के लिए यहाँ पर देखो कार्बन ब्रश एंड स्लिप रिंग का कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर, लगा दिया गया है। यही इसके क्या थे, कंस्ट्रक्शन थे, इसका फिगर था। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, मैं आपको यहाँ देखो, नंबर वन स्टेटर कॉइल, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, स्टेटर कॉइल। स्टेटर कॉइल क्या होती है, इट इज डेड कॉइल विच प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इन सिंपल ही कह सकते हो, देर इज ए टू मैग्नेट इज ए स्टेटर कॉइल, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं स्टेटर कॉइल। इट इज डेड कॉइल विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इन सिंपल इट कैन बी टू मैग्नेट, फिगर में हमने दिखाया। इसका मतलब कि यहाँ पर स्टेटर कॉइल कौन सा होगा, ये आपके जो बेटा जो दो मैग्नेट हैं, ये आपके क्या हो गए, स्टेटर कॉइल हो गए, ठीक है। नंबर टू रोटेटर कॉइल या रोटर, इट इज दैट कॉइल इन विच करंट इज जनरेटेड, इट हैज़ मेनी नंबर्स ऑफ टर्न्स। ये क्या होता है, मैं आपको दिखा दूँ, देखो यही बेटा जो आपके कॉइल है, यहाँ पर सिर्फ हमने एक टर्निंग दिखाई है, ये नंबर ऑफ टर्निंग होती है जिसमें करंट जनरेट होती है, उसका क्या नाम है, रोटेटर कॉइल या रोटर कॉइल। और तीसरा कौन सा है, कम्यूटेटर, द कम्बिनेशन ऑफ स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रश कॉल्ड कम्यूटेटर, यानी जिससे करंट बाहर निकलती है, जो क्या होता है, सीधे सीधे कम्बिनेशन ऑफ कौन सा, देखो कार्बन ब्रश एंड स्लिप रिंग। और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था, इलेक्ट्रिक मोटर में आपका था स्प्लिट रिंग, यहाँ पर स्लिप रिंग एंड कौन सा, कार्बन ब्रश।
यही आपके तीन हैं, नंबर वन स्टेटर कॉइल, नंबर टू रोटेटर कॉइल, नंबर थ्री क्या है, कम्यूटेटर। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब उसके बाद बेटा इसके पढ़नी है वर्किंग। ये सब क्लास टेंथ में पढ़े थे, असल जो ट्वेल्थ में पढ़ना है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कि कैसे फ्लक्स का चेंज होता है और कितनी करंट मिलेगी, ये असल पढ़ना है। देखो इसका जो वर्किंग है, तो सीधे सीधे वर्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखो एक्सेल की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर एक टर्बाइन लगा देते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको घुमाते हैं, पढ़ा होगा पावर प्लांट में। जैसे ही इसको हम रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, इसके फ्लक्स में चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट है, अब ये इसको कट करेंगे, बार बार फ्लक्स में चेंजिंग होगी। जैसे ही फ्लक्स में चेंजिंग होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इसमें जनरेट हो जाएगा। इसीलिए देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब इसका नाम आखिर इसको एसी जनरेटर क्यों कहते हैं या अल्टरनेटिव करंट इसका नाम क्यों पड़ा, इस चैप्टर में जान जाओगे और उसमें कुछ बेसिक नॉलेज। जो अल्टरनेटिव करंट यानी बार बार चेंज होती है, जो इसकी डायरेक्शन होती है हाफ साइकिल के लिए ऐसे होती है, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ऐसे होती है, बट ऐसे क्यों होती है इसकी अभी स्टडी करेंगे। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इंडिया में जो होती है 50 साइकिल पर सेकेंड है या 3000 रोटेशन पर मिनट है, ठीक है। वर्किंग को और सिंपल लैंग्वेज मैंने नोट्स में लिखा है, उसको देख लेना। अब इसके बाद आते हैं बेटा इसका कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस कर लिया जाए, मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है, कि ये फिगर इस तरीके से क्यों आता है। मैं ज़रा उसको एक पेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा यहाँ तक आप लोगों ने क्लास टेंथ में पढ़ा है, लेकिन अब क्लास ट्वेल्थ में अब इसकी एनालिसिस करनी है, मैथमेटिकल एनालिसिस। कंसीडर द कॉइल एबीसीडी फ्री टू रोटेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पर बेटा आपका फ्लक्स कितना होगा, ये क्लास टेंथ में निकल यहाँ पर निकालना है। देखो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू, याद है फाई इज इक्वल टू बी ए इंटू कॉस थीटा, यही आपका होता है फ्लक्स। ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल है। अब मान लो ये जो हमारा कॉइल था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, कॉस थीटा हो गया। अगर मान लो एक डिग्री हुआ तो एक ओमेगा हुआ, टू हुआ टू सेकंड के लिए टू ओमेगा हो गया, थ्री सेकंड के लिए थ्री ओमेगा हो गया, टी टाइम के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आपका बेटा थीटा इज इक्वल टू टी टाइम के लिए ये आपका हो जाएगा ओमेगा टी एंगुलर रोटेशन। तो इसलिए फाइ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ये आपका हो गया। अब ईएमएफ कितना होगा, तो ईएमएफ की डिफिनेशन ठीक है पीछे पड़े फराडे लॉ में क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यही तो ईएमएफ होता है। अब जरा माइनस डी बाई डी टी हो गया, फाई की वैल्यू अभी यहाँ पर है कौन सा है, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस लगा हुआ है, बी ए कांस्टेंट है बी ए को बाहर कर लो, कॉस ओमेगा टी का कितना होगा माइनस साइन ओमेगा टी, डिफ्रेंसिएशन होता है याद कर लो, फिर ओमेगा टी का एक बार करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या मिल गया, ई इज इक्वल टू ध्यान देना, ई इज इक्वल टू आपका मिल गया देखो बी ए ओमेगा इंटू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया साइन ओमेगा टी हो गया, साइन ओमेगा टी हो गया। अगर फॉर एग्जांपल उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अब इसकी बेटा होती है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वन हो जाएगा,
इसको बोलते हैं कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं ई नॉट इज इक्वल टू, क्या हो गया एन बी ए, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी इंटू ओमेगा हो जाएगी, इसलिए एक रिलेशन ये भी मिल गया। अब इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, ई नॉट रख सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट क्या मिल गया साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ या पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ, दोनों बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो यह पूरा रोटेट कर रहा है, मान लो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया फ्लक्स, यहाँ पर फॉर एग्जांपल टाइम ज़ीरो थी, उसके बाद एक सर्कल को पूरा किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम, मान लो कैपिटल टी हो गई, पूरा अगर टी हो गई तो बताओ यहाँ पर बेटा कितनी हो गई, चार जगह बढ़ गया है टी अपॉन फोर इन हो गई, यहाँ पर कितना होगी टी बाई टू होगी, यहाँ पर कितना होगी वन अपॉन फोर, इसमें टी बाई टू में वन अपॉन फोर ऐड करो तो थ्री अपॉन फोर इंटू क्या हो जाएगा बेटा आपका हो गया टी, यही तो हो रहा है। अब ज़रा इसमें इरेज कर लूँ, अब उसके बाद इसका कुछ इंटरप्रिटेशन कर दूँ, जो बार बार जो इसका ग्राफ आता है कि इसको अल्टरनेटिव करंट क्यों बोलते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस से भी बेटा प्रूफ हो जाएगा ये होगा कि नहीं हुआ। अब उसके बाद देखा जाए किस टाइम पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर तीन चीज़ें चाहे तो हम ड्रा कर सकते हैं। नंबर वन कॉलम में यहाँ मान लो हमने ले लिया टाइम, नंबर टू में साइन ओमेगा टी की वैल्यू, और नंबर थ्री में हमारा ई एम एफ, चूँकि अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा है कौन सा पढ़ा है ई इज़ इक्वल टू, अभी पढ़े हैं ई इज़ इक्वल टू ई नाट कौन सा साइन ओमेगा टी, ये तो पढ़े हैं। यहाँ चेंजिंग क्या आ रही है टाइम के साथ, यानी ओमेगा एंटी वेरिएबल है कि इसमें क्या चेंजिंग आ रही है, तो सीधे सीधे टाइम कैसे चेंज हो रही है, टाइम कहाँ कहाँ हो रही है, देखो इस फिगर में टाइम ज़ीरो है, उसके बाद टी अपान फोर हो रहा है, उसके बाद टाइम कितनी हो रही है टी अपान टू आ रहा है, उसके बाद कितनी वैल्यू आ रही है थ्री अपान फोर टी आ रहा है, और सबसे लास्ट में कितना फिर टी रिपीट हो गया। साइन ओमेगा टी की वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो होगी, और उसके बाद जब यहाँ पर आएगा कितना एंगल बनाएगा 90 एंगल बनाएगा तो वैल्यू वन हो जाएगी, तो ज़ीरो वन हो गई टी अपान फोर पर, फिर उसके बाद 180 पर ज़ीरो हो जाएगी, फिर उसके बाद 270 पर माइनस वन हो जाएगी, फिर कितना होगी ज़ीरो, देख लो रिपीट ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो, फिर रिपीट हो गया। ऐसे ही ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू जो इस फार्मूले में रखे हैं तो क्या हो जाएगी सीधे सीधे ज़ीरो पर ज़ीरो होगी, और यहाँ पर साइन 90 देखोगे वन होगा तो ई नॉट हो जाएगी, कितना होगा प्लस ई, जो भी कहो प्लस ई हो गया आपका, फिर उसके बाद ये फिर ज़ीरो हो गई, उसके बाद कितना हो गया माइनस ही होगी 270 पर, उसके बाद कितना हो गया ज़ीरो हो गया। तो क्या देख रहे हैं अल्टरनेट चेंजिंग आ रही है, ज़ीरो वन फिर ज़ीरो, फिर इसी का जस्ट रिवर्स माइनस वन ज़ीरो, देखो ज़ीरो ई ज़ीरो फिर माइनस ई ज़ीरो, तो क्या ये अल्टरनेट चेंजिंग आ रही है, इसीलिए इसका नाम है बेटा अल्टरनेटिव करंट। अब इसी चीज़ को हम चाहें तो ग्राफिकल भी शो करते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी के बुक में जो फिगर बना हुआ है देख लो, यही अलग अलग रोटेशन के लिए, यानी कि जब हमारी क्वाइल की जब चेंजिंग आ रही थी तो देख लो अलग अलग ज़ीरो डिग्री पर, इसी में मैं क्लियर कर दूं, देखो ये आपका ज़ीरो डिग्री पर बनाया है, उसके बाद ये 90 डिग्री है टी बाई फोर के लिए, उसके बाद 180 है, उसके बाद ये 270 है, और ये 360 है, मैंने इस चीज़ को बेटा यहाँ पर आपको सर्कल में दिखा दिया, ठीक है। कौन कौन सी टाइम ज़ीरो हो गया, उसके बाद कितना लिया था यहाँ पर टी अपान फोर लिया, उसके बाद टी अपान टू लिया, उसके बाद थ्री टी अपान फोर ले लिया, एंगल की बात की जाए 90 180 270 360, यही तो है। अब इसी पर वैल्यू किस कैसे कैसे इंक्रीज़ हो रही है इसी को देखना है, और किसके अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे तो ये 90 डिग्री था, चाहे तो यहाँ पर दो तीन जगह और बांट दें 30 डिग्री एंड 60 डिग्री,
अब उसके अकॉर्डिंग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे बेटा नहीं आएगा, बिल्कुल इस तरीके से आएगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, 3/2 का मतलब 0.85 लगभग, तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद 180 पर जीरो हो गई, फिर उसके बाद सारी चीज़ें साइकिल्स क्या हैं, ये रिवर्स जा रही हैं, इस तरीके से ये हमारी वैल्यू क्या होती है, आगे बढ़ती है। देखो अल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हाफ पॉजिटिव, ये नीचे हाफ नेगेटिव, इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेटिव करंट। यही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेटिव करंट। ये एसी जनरेटर में ये चैप्टर नंबर 6 में था, मैंने 7 में इसको बताया है। अब इसी को लेकर चलना है कि एसी करंट में, अल्टरनेटिव करंट में क्या क्या होता है, ठीक है। सीधे सीधे इस चीज़ को ग्राफ में कैसे आया, तो इसी वैल्यू को इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी पर, जो मैंने कॉलम बनाया था जीरो पर, सब जीरो ही होगा। उसके बाद T/4 टाइम पर साइन 9, वहाँ पर एंगल कितना होगा, T/4 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये E0 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। फिर जस्ट उल्टा करेंगे तो 70 पर -E0 वैल्यू हो जाएगी, यानी इन सब के भी जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा आपका ग्राफ यही आएगा। यही आपका कौन सा है, अल्टरनेटिव करंट के लिए ग्राफ। उस सिचुएशन में देखो अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चेंज हो रही है, पहले ये हो गया, उसके बाद इससे 90 हो गया, फिर 90 इसमें ऐड कर दो, फिर 90 ऐड कर दो, फिर 90 ऐड कर दो, तो उसी की सिचुएशन से ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ओके, अब उसके बाद इसमें अल्टरनेटिव करंट डीसी करंट क्या होती है, इसका अलग अलग जनरेट तो कर दिए गए हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, इसमें ये चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है, इसमें बहुत से मैथमेटिकल हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ भी है। अब इसमें स्लो स्लो 1/1 करके क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।